चलिए हम देख रहे थे एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज हमने शुरू की थी। उसका फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले हमें आंसर तो निकालने दो, पहले हम आंसर निकालेंगे, उसके बाद सरप्राइजिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, चलो पहले तो क्या करना है हमें, x इज इक्वल टू क्या लेना है, 0.99 हम लेंगे, इसको देंगे इक्वेशन नंबर वन। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये देखो बोथ साइड बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए। सो 10x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये जो पॉइंट है एक से शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड राइट, ये आएगा 9.9999 एंड सो ऑन। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर टू। नेक्स्ट स्टेप क्या थी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू। टू वाला क्या है, 10x इज इक्वल टू 9.99 और माइनस वन है 0.999। चलो सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन कितना आता है इसका, 10 माइनस वन मतलब ये आएगा 9x। अब देखो इसका जो सब्ट्रैक्शन है ना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, आंसर गलत आ जाएगा, डॉट डॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम थोड़े से ही डिजिट तक हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। कितना आता है, 0.009, 9.00, मतलब 9x इज इक्वल टू कितना आया, 9 ही आया है आंसर। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 9/9 विच इज इक्वल टू 1। ओ, जो हमने पहले एग्जांपल्स देखे थे वो सभी एग्जांपल्स, जैसे कि 1/9 या फिर 25/99, ऐसे कुछ फ्रैक्शन में आ रहे थे प्रॉपर p बाय q के फॉर्म में। तो हमारे जो आंसर्स है फ्रैक्शन में आते थे, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे आप तो फ्रैक्शन में हमारा आंसर नहीं आ रहा, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1, मतलब एक इंटीजर दिखाई दे रहा है आपको, पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं है ये, तो ये है सरप्राइजिंग बात। तो और ये क्यों आ रहा है, अगर आप देखोगे 1 और 0.9999 एंड सो ऑन, इनके बीच में जो है वो बहुत पास नंबर है, मतलब 0.999 अगर इनफाइनाइट टाइम्स होगा ना, तो उसका ही मतलब होता है 1 उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 0.99 इज नॉट इक्वल टू 1 मैं बोल रही हूँ, आप बोलोगे कि 0.99 1 के इक्वल होता है क्या, नहीं, 0.999 भी नहीं होता, लेकिन अगर आप यही पैटर्न इनफाइनाइट टाइम रिपीट करोगे तो उसका इसकी वैल्यू ही 1 होती है, बस यही, दूसरा कुछ नहीं इसका आंसर। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, सिंपल है बट लेंदी है। उन्होंने ही यहाँ पर बोला है 1/17 का जो पैटर्न है वो रिपीटिंग टाइप में आता है, अगर वो रिपीटिंग है तो मतलब जैसे कि हमने देखा था, मान लो 0.147 बार, इसका मतलब क्या है, हमें बस 3 बार ही डिवीजन करना है, 3 या 4 स्टेप में हमें पता चल जाए कि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन कभी कभी लेंदी प्रोसेस हो जाती है, वो कैसे, चलो देखते हैं। हमें 17 को 1 को डिवाइड करना है 17 से। अब देखो 1 तो नहीं है इसके टेबल में,
तो फिर क्या करोगे, पहले तो आपको 17 का टेबल याद रहना चाहिए, अगर नहीं है तो साइड में लिख लो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर 17 का टेबल लिख लेती हूँ पहले, 17 टेबल। चलो टेबल तो लिख लिया हमने, ताकि मतलब आसानी हो ना, नहीं तो उसमें क्या चला जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा आपका वो निकालने में नंबर्स। तो इसको हम लिख लेते पहले 1.000 एंड सो ऑन, मतलब जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने जीरोस अवेलेबल है। तो इसको क्या कंसिडर करोगे आप, 0.1 शिफ्ट करने के बाद, देखो अब मैं बहुत सारे स्टेप में नहीं करने वाली हूँ, एक को शिफ्ट करने के बाद 10 आएगा, 17 के टेबल में 10 भी नहीं है, तो हमें फिर से एक जीरो देना पड़ेगा, फिर आएगा 100। तो आप क्या करते हो, इसको 100 मानते हो, और 100 से मतलब यहाँ क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 17 5 85 आता है, तो यहाँ पर हम लेंगे 85। सब्ट्रैक्शन करो, आंसर कितना आएगा, 15 आएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, ऊपर का जीरो लेते हैं, 17 5। अब देखो यहाँ पर 150 के आसपास वाला नंबर कौन सा है, 136, 17 8 जा, कितना आया आंसर, 136। इनका सब्ट्रैक्शन कितना आता है, 14। फिर से ऊपर का जीरो ले लो, 140 के आसपास वाला नंबर है, अगेन 8 जा। ऐसा लगता है कि यही रिपीटिंग पैटर्न है, गलती मत करना, आगे दो चार स्टेप कर लेनी है हमें, ठीक है, उसके सिवा आपको नहीं समझ में आएगा। चलो तो ये कितना आएगा, अगेन यहाँ पर आएगा, ये आएगा 4, सब्ट्रैक्शन 0 ले लो, आगे कौन सा वाला नंबर आएगा, देखो 34, 17 2 जा, यहाँ आएगा 34, ओके। हमें इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट, ये जो कैलकुलेशंस है ना, बहुत बड़े बड़े हैं। ये आया 34, तो इसका आंसर आएगा 6, सब्ट्रैक्शन फिर से एक जीरो ले लो, फिर क्या करना है, 60 के आसपास, मतलब 17 3 आएगा 51। ये कितना आएगा, इसका आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन 9, ऊपर से जीरो ले लो, अगेन 85। ठीक है, देखो फिर से कोई हमें पैटर्न नहीं मिला, और उन्होंने मेंशन किया है कि ये रिपीटिंग पैटर्न है, तो हमें देखना है कौन सा वाला पैटर्न रिपीटिंग है। अगेन ये कितना आएगा, इसका आंसर 5, 0 और 50, तो फिर 17 2 34, तो इसका आंसर आएगा 16, 0 ले लिया हमने। 160 के आसपास कौन सा है, 17 9 153, इसका आंसर आएगा 7, अगेन 0 ले लिया हमने। तो 70 के आसपास कौन सा वाला नंबर है, 17 4 68, यहाँ नंबर लिखना है वरना भूल जाओगे आप। यहाँ कितना रह गया, 2, ठीक है, यहाँ पर आएगा 17 1 17, अगेन 3, ऊपर 0 ले लिया, 17 2 34 आता है, लेकिन अगेन हमें यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 17, इसका रिमाइंडर आएगा 13, 0 ले लिया, 130 के आसपास देखो 17 7, ठीक है, हमें ऊपर अगेन एक नंबर लिखना पड़ेगा 7 1 1 9, यहाँ पर आएगा -119, कितना आता है फिर 11, अगेन 0 लिखो, ओके 110 के आसपास कौन सा है, 17 6, ठीक है 17 6, कितना आता है 102, ये आ गया 8, अगेन 0 ले लो, 80 के आसपास वाला नंबर कौन सा है, 68 है, 17 4, राइट 17 4 68, ठीक, अगेन कितना आएगा इसका आंसर 0, 120 ले लिया हमने, फिर 120 के आसपास 119 है, और रिमाइंडर आता है 1, 119
कहां पर है, यहां देखो 7 आ गया। ठीक, अब देखो क्या हमें कोई पैटर्न मिल रहा है। यहां पर भी अब तक तो नहीं मिला, देखो रिमाइंडर 1 आता है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 को आप क्या करते हो, अगेन क्या करते हो, देखो आप 0 ले लेते हो, ठीक है, जो कि हमने अभी किया था 1 से ही तो मतलब डिवाइड किया है, फिर से क्या आएगा, आ गया रिमाइंडर 1 ही आ गया, मतलब ये पैटर्न जो है यहाँ तक ये डिजिट रिपीट होंगे। चलो हम करके देखते हैं, देखो रिमाइंडर कितना 1 आ गया, तो हमें 0 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, ठीक है, तो आगे 100 लिया है तो इसके आसपास वाला मतलब कौन सा आएगा 5, मतलब अगेन 85, अगेन 15, 0 दे दिया तो 150 के आसपास वाला नंबर कौन सा है 136, 8 आ गया। तो क्या आप देख रहे हो ये जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये 1 नहीं एक्चुअली ये 1, हाँ तब भी मैं बोलूँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो 1 है ना, तो ऊपर से हमने ऊपर वाला यहाँ से हमने ऊपर से 0 ले लिया और उसमें हमने और एक 0 ऐड कर लिया क्योंकि 10 भी हमारे लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ से पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो नंबर कैसे है, देखो यहाँ पर 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 0 5 8, अब देखो यहाँ 0 रह गया, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, हाँ यहाँ से फिर रिपीट होगा, फिर क्या होगा 8 8 2 3 5 2 9 4 1, सो ठीक, तो ये है इसका आएगा बार कहाँ तक, यहाँ तक, मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन था, आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है, इजी था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, कैन यू गेस वॉट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। पहले तो आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, p बाई क्यू के फॉर्म में कुछ तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन कैसे नंबर लेने हैं हमें यहाँ पर, other than उनका कॉमन फैक्टर जो है वो other than 1 होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर other than 1, मतलब एक 1 यही इसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जैसे कि 2 और 3 है, इनका कॉमन फैक्टर देखो बस 1 ही है और ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में आते हैं, समझ में, टर्मिनेटिंग फॉर्म में, तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको, देखो तो वैसे तो आप 3/2 भी, ये भी एक पी बाई क्यू के फॉर्म में है और 2/3 ये भी एक पी बाई क्यू के फॉर्म में ही आता है, लेकिन उन्होंने मेंशन क्या किया है वो टर्मिनेटिंग फॉर्मेट में आते हैं, तो हमें क्या करना है टर्मिनेटिंग ही लेना है। अगर आप 3/2 देखोगे ना तो इसका आंसर आता है 1.5, लेकिन इसका अगर आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 0.666, ये खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग चाहिए, जैसे कि 3/2 और भी है हमारे पास, जैसे कि देखो यहाँ पर 5/2 ये भी है, कितना आता है 2.5 आएगा आंसर, और कौन से नंबर्स हैं, जैसे कि देख लो 1/5 भी है, इसका आंसर कितना आता है, इसको आप कैसे कर सकते हो, आपने 5th या 6th क्लास में ये देखा होगा 1 × 5 × 2 अगर करोगे तो ये आएगा 2/10, 2/10 मतलब 0.2 है ना, मतलब ये बहुत आसान हो जाएगा। और भी है हमारे पास, समझो 1/8 ले लिया हमने, है ना, अगर आप
एट को मतलब मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर कुछ भी करके 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे ही लाना है। तो 8 into 125 कर दो, आपका आंसर आएगा 1000, यहाँ पर आएगा 125, मतलब इसका टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा है 0.125। ठीक है, और कोई नंबर देखो। ओके, आप 20 ले लो डिनोमिनेटर, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो, कुछ भी नंबर चलेगा, कोई बात नहीं है, 6 ले लिया चलो। तो आप क्या करोगे, 20 into 5 करोगे। ओके, 6 into 5 हो जाएगा, ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर कितना आता है, 0.3 आता है। मतलब ऐसे आपने बहुत सारे देख लिए नंबर्स, अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा डिनोमिनेटर का, यही उन्होंने पूछा है। डिनोमिनेटर में हमें एक पैटर्न मिलेगा। ये जो नंबर है ना 2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 raised to 1, कोई बात नहीं है। 5 को मैं 5 raised to 1 लिख सकती हूँ। 8 को मैं 2 के पावर में लिख सकती हूँ, 2 क्यूब। अगेन 20 को कैसे लिखोगे आप, 2 का पावर 2 और into 5 का पावर 1, है ना। 4 5 20, या फिर 10, इंटू 2, है ना। मतलब 2 और 5 के पावर में ही दिख रहा है आपको, जो भी नंबर आ रहा है ना वो 2 और 5 के पावर में ही दिख रहा है। तो यही बस पैटर्न हमें ऑब्जर्व हुआ कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और 5, तभी हमारा आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। अब ये वाला देखो, राइट द 3 नंबर्स Whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। Terminate भी नहीं होने चाहिए और repeat भी नहीं होने चाहिए, ऐसे numbers। तो देखे थे हमने ऐसे numbers, देखे थे ना कौन से थे, जैसे कि √3 था, या फिर √2 था, पाई की वैल्यू थी, है ना। तो √3 की वैल्यू क्या आती है, तो एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में पूछेंगे तो आपको डिजिट्स याद रखने होंगे, जैसे कि √2 का क्या आता है, 1.4, 0.1, सॉरी 414, इतना ही हम याद तो इतना ही रखते हैं, लेकिन उसके आगे भी डिजिट्स हैं जो कि रिपीट भी नहीं होते और स्टॉप भी नहीं होते, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होते। तो ये आता है 414, मतलब याद इतनी भी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, √3 भी ऐसा ही है, इसकी वैल्यू हम तो बस इतनी याद रख लें, उसके आगे भी डिजिट्स हैं, ये भी मैंने याद नहीं रखे, लेकिन लिखने पड़ते हैं। पाई की वैल्यू भी ऐसी है, 3.14 एंड सो ऑन, कौन याद रखेगा इतने सारे डिजिट्स। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग कैटेगरी में आते हैं।